आज न्यूज़ यही है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। अभी फिलहाल यही टेस्ट हुआ है मेरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल सवाना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और एक दो दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला, कल भी नहीं डाली थी और आज भी नहीं डाला। जब मैं ये शूट कर रही हूँ तो ये ब्लॉग कल आएगा, जैसा कि आप सबको पता है एक दिन पहले शूट होता है ब्लॉग। तो आज का क्या बोलूँ, मैं कल क्यों नहीं डाली ब्लॉग, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल, आप लोग भी सोचो कितना तबीयत ख़राब होता है। तबीयत ठीक नहीं रहती, तबीयत ठीक नहीं रहती। सो तबीयत ठीक नहीं होने का रीज़न आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को। तो ये न्यूज़ मैं अकेले नहीं दूंगी, तो चलिए आज ये न्यूज़ हम दोनों साथ में आप लोगों को देंगे। क्या न्यूज़ है तो चलिए, हम दोनों ने शायद हम तीनों सिम्बा भी, चलिए उस रूम में चलते हैं। सो मैं आ गई हूँ इस रूम में, आकर के बैठ गया। सिम्बा भी उसी रूम में है। और न्यूज़ क्या है हमारे? हाँ गाइस, न्यूज़ यही है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। सो अभी तो स्टार्टिंग है, अभी अभी मैंने एक बार भी विजिट किया है एक बार डॉक्टर से, पर ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। और अभी विजिट करना है और भी अभी बहुत सारे टेस्ट वगैरह है, तो जैसे जैसे जो होगा मैं दिखाऊंगी। सो पहले आप लोगों को मैं ये दिखा देती हूँ कि देख सकते हैं। अभी फिलहाल यही टेस्ट हुआ है मेरा, तो ये बहुत खुश है, घर पे सभी हैप्पी है। सो तो हाँ, बस सिम्बा का भाई या बहन आने वाला है। तो सिम्बा का भाई टाइगर आएगा। इनको बस टाइगर 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 ही रट लगा रखे। पर जो भी आए अच्छा ही आए, आप लोगों के दुआ से सही आए, बस सही सलामत हो जाना चाहिए और मैं भी फिट रहूँ। तो बस यही मैं बोलना चाहती थी इतने दिनों से कि आप लोगों को बताना चाहती हूँ एक गुड न्यूज़ है, दूंगी स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी। सो आज मैं तो आपको बताइए, आप फिर से पापा बनने वाले तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फीलिंग है गाइस, और ये फीलिंग क्या एक्सप्रेस करूँ मैं, बस अंदर अंदर बहुत खुश हूँ। जल्दी से जल्दी टाइगर आएगा और ज़्यादा प्यार बढ़ेगा, कि हमारी फैमिली काफ़ी खुश है। और आप लोग गाइस प्रे करें सब कुछ अच्छा हो, हेल्दी वेल्दी सब कुछ अच्छा हो। जय भोलेनाथ, जय श्री राम। जय श्री राम। बस आप लोग भी दुआ करते रहे, अल्लाह से दुआ मैं भी करती हूँ कि सही सलामत आ जाए। और बस जल्दी, इसीलिए मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, तो ब्लॉग बीच बीच में मिस हो जाता है मेरे से। सो बस नींद वगैरह आता है, आप लोग को तो पता ही होगा सब कुछ, जो जो प्रेग्नेंट हो चुकी है और जो जो माँ है तो पता है। सिम्बा भी छोटा है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। सिम्बा से मैं जब भी पूछती हूँ क्या चाहिए, भाई या बहन, तो दोनों में हाँ बोलता है वो। अभी वो बहुत ज़्यादा छोटा है, पर घर वाले बोले कि ठीक है बेबी आने दो, क्या बोलता है दोनों बच्चे साथ में बड़े हो जाएंगे, तो बस इसीलिए सिम्बा के साथ ही बड़ा हो जाएगा। सिम्बा का भाई है बहन, तो हमने प्लान कर लिया है। तो बस देखते रहिए और बने रहिए, बहुत सारा प्यार और दुआ देते रहिए। और क्या मैं बोलूँ, और कुछ जो है बहुत अच्छा बोल दिए आप। गाइस धीरे धीरे हम लोग भी आपको न्यूज देते रहेंगे, क्या आज हुआ क्या कल हुआ सब कुछ अच्छा। कैमरा पकड़ने में दिक्कत होता है बहुत। सब अच्छा खबर देते रहेंगे आप लोग को, बस आप लोग हमारे संग बने रहें और अपना प्यार दे और हमारे लिए अच्छे से प्रे करें, सब कुछ अच्छा हो। बस आज हम लोग घर भी नहीं गए क्योंकि इनका तबीयत ठीक नहीं था, सर में दर्द था। तो मैं बोली आज फेसेस भी आज नहीं धोया, देख रहे ना कैसा है। मैं थोड़ा रेडी हो गई, मैं बोली इनका फेस खराब, मेरा सही लगना चाहिए। मैं तो और मतलब सो के उठी थी जब सा लग रहा था। लड़कियों को ज़्यादा सजना चाहिए, हम लड़के तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं बिना मेकअप का। बिना मेकअप नहीं करेंगे तो इतने क्या बोलूँ, आप लोग समझ सकते हैं। और हम लोग बिना मेकअप में या करें या ना करें एक बराबर हैं। गाइस कमेंट करना, मैं बिना मेकअप का भी ब्लॉग बनाती हूँ, क्या मैं बुरी लगती हूँ, कमेंट करना ठीक है, कमेंट करके बताना आप लोग ठीक है। सिम्बा उस रूम में पता नहीं क्या कर रहे, चलिए दिखा देती हूँ। ये न्यूज़ तो मैंने दे ही दिया है, पर थोड़ा ब्लॉग और थोड़ा मैं लंबा करना चाहती हूँ, तो चलिए दिखा देती हूँ सिम्बा क्या कर रहे। तो आप खुश हो? तो यस खुश है ये।
बहुत जल्द हम लोग डॉक्टर के पास विजिट भी करने वाले, तो जो जो होएगा मैं दिखाते जाऊंगी, जो भी टेस्ट वगैरह है सब करूंगी, जो भी होगा तो सबका डिटेल्स मैं देती रहूंगी, तो बने रही मेरे साथ। चलिए उस रूम में चलती हूँ, सिम्बा क्या कर रहा दिखाती हूँ। सिम्बू क्या कर ली है? सिम्बू यहाँ बैठा है, देख सकते है। क्या कर ली तुम? हाय तो बोलो। टाटा नहीं, हाय। अले मेरी गुड़िया रानी, बहुत सियानी। आई लव यू बोलो। आयू। फिर से बोलो आई लव यू। आयू। अले बाबोले। सो गाइस देख सकते हैं सिम्बा आई लव यू बोलने सीख गया है, लेकिन आलू बोलता है। बोलो आई आलू। प्यारा बच्चा है मेरा। अब गोद नहीं, गोद नहीं, आओ नीचे आओ, चलो। और बस मैं ही खुशखबरी आप लोगों को देना चाहती थी आज, सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर से मैं माँ बनने वाली है, सो तो देख सकते हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। सो इसीलिए गाइस मेरी तबीयत इसलिए इतने दिनों से खराब हो रही है, ठीक हो रही है, ठीक हो रही है, खराब हो रही है, अभी पता नहीं है कुछ भी। सही से डिटेल्स मैं दूंगी आपको धीरे धीरे, पहले मैं USG वगैरह करा, उसके बाद दूंगी आपको डिटेल्स, ठीक है। तो सिम्बा का बदमाशी देखिए आप, दिखाती हूँ, ब्लॉग बना रहा है सिम्बा, ब्लॉग बना रहा है, देख सकते हैं पापा का फोन लेके। अब इसको पता है कि ब्लॉगिंग में कैमरा कैसे पकड़ा जाता है, सीख चुका है मेरे को देख देख के। आज सुबह से खाली ब्लॉग बना रहे हैं, देख सकते हैं। सिम्बू ब्लॉग बना रहे बिट्टू, हाँ ब्लॉग बना रहे हो तुम, बोलो। अपना पापा का फोन लेके ब्लॉग बना रहा है, देख सकते हैं। आपने देखा सिम्बा कैसे ब्लॉग बना रहा है पापा का फोन ले ले करके, यहाँ पे फोन फेंक के चला गया है। पकड़ लो मोबाइल, दे दो पापा का मोबाइल, जाओ। बाऊ 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 सो आज हम कहीं निकले नहीं, ये बोले सर में दर्द है, जैसा कि मैंने आपको बताया कहीं भी निकले नहीं, तो मैं सोची आज ही मौका है, सही टाइम है, आप लोगों से शेयर कर दूं बात, क्योंकि इनके पास टाइम होता नहीं। हम लोग शाम को निकल जाते हैं, घर जाना होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। मॉर्निंग ड्यूटी से आते 3-4-5 बजे सो जाते हैं, सो के फिर हम लोग 7-8 बजे उठ के फिर मम्मी के घर चले जाते हैं, फिर थोड़ा घूमना फिर, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो आज हम लोग घर नहीं गए, तो मैं सोची ये ब्लॉग आज बना देती हूँ स्पेशल, कब से मैं सोच रही हूँ आप लोगों को बनाऊँ, पर इनको टाइम नहीं मिल रहा था, छुट्टी वाले दिन भी इधर उधर बिजी ये वो हो के, मतलब ये नहीं हो रहा। मैं बोली अच्छे से बैठ के बनाऊँगी ये ब्लॉग, आप लोगों को बताऊँगी, शेयर करूँगी आप लोगों से खुशियाँ अपनी। सो आज का ब्लॉग कैसा लगा है, और बस कमेंट करना, और जिस जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, प्रे करते रहना मेरे लिए, दुआ करते रहना हमारे लिए, मेरी फैमिली के लिए, और मैं भी आप सबके लिए प्रे करती हूँ, दुआ करती हूँ, सब अपने अपने घर में खुश रहे, हैप्पी रहे। सो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि यार कुछ बस स्पेशल ब्लॉग है, तो बस जितना हो सका मैंने आपको बता दिया, स्पेशल इसलिए इसके लिए ही बनाई हूँ मैं वीडियो आज। तो मैं आपको नेक्स्ट मिलूंगी कल मिलूंगी मैं, कल का ब्लॉग मैं ज़रूर डालूँ, क्योंकि कल मुझे टेस्ट वगैरह कराने भी जाना है। तो डॉक्टर एक बार मैं दिखा चुकी हूँ, पर वो ब्लॉग मैं नहीं बनाई थी किसी वजह से, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था मेरा, तो इसलिए कल टेस्ट वगैरह है, तो कल का मैं ब्लॉग डालूँगी ज़रूर से, और आप लोग देखना, कमेंट करना क्या होता है कैसे होता है। तो बस बने रहिए, और बहुत सारा प्यार देते रहे। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ। जब तक अपने अपने घर में सब सुरक्षित रहिए, और जब तक क्या, हमेशा सुरक्षित रहिए और दुआ करते रहे, ठीक है। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।